हेलो क्रेजी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष। और आज की इस वीडियो के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने 50 क्वेश्चंस। ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, इनकी मैं एक प्रॉपर सीरीज़ बनाने वाला हूँ, यानी कि आप लोग 50 क्वेश्चंस की आगे भी वीडियोस देखने वाले हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एनालॉजी की, यानी कि एनालॉजी के टाइप 1 के 50 क्वेश्चंस के बारे में मैं आज यहाँ डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि जितनी डेप्थ में जा सकता हूँ एक क्वेश्चन के, उतनी डेप्थ में जाऊँ, और कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि यार टाइम भले ही एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट ज़्यादा लग जाएं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि हमारा जो टॉपिक है वो हमें अच्छे से डिलीवर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के जिस टॉपिक की हमें 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, उसका जो टॉपिक है वो है आज हमारा एनालॉजी और सिमिलैरिटी। इस टॉपिक के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो। बाकी आज हमें टाइप 1 के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने टच, फील और ग्रीट क्या होगा, ठीक है। आई रिपीट, जैसे हमें इन्होंने दिया हुआ है टच, फील, ग्रीट, तो क्या होगा ग्रीट के बाद। तो देखो यार, एक सिंपल सी बात है। अब भैया वो सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात ये है कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें जो हमें रिलेशन दिया होता है वो इस तरीके से दिया होता है, ए, ए के बाद हमें फिर यहाँ पे बात करेगा बी की, फिर हमारे से यहाँ पे बात करेगा सी की, फिर करेगा डी की। तो हमें क्या करना है, ए और बी के में एक रिलेशन होता है, इसी तरीके से सी और डी का रिलेशन होता है। तो जो रिलेशन हमारा ए और बी में फॉर्म होगा, वही रिलेशन हमारा सी और डी में के अंदर भी फॉर्म होगा। तो हमें ये चीज़ जो है वो इन दोनों के अंदर, और फिर इससे आगे जो आने वाले दो हैं, ठीक है, इनके अंदर भी हमें ये रिलेशन को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन हमारा SSC कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल में आया था, ठीक है, इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टच, फील, यानी कि अगर मैं आपको टच करूँ या फिर आप इस स्क्रीन को भी अपने मोबाइल की टच करो तो आपको क्या होता है, कुछ चीज़ फील होती है। इसी तरीके से ग्रीट के साथ क्या चीज़ होगी, तो बात आती है भाई ग्रीट क्या होता है। ग्रीट जो है वो हमारे ग्रीटिंग्स को शो करता है, यानी कि हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो हम करते हैं उसको शो करता है ग्रीट। तो ग्रीट जो है वो हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज क्या आंसर होगा हमारा, एक्नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग मैनर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो कृपया, जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा हमारा, एक्नॉलेज होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने दिया हुआ है, हाउस इज़ रिलेटेड टू रूम, यानी कि घर और घर के अंदर क्या होते हैं, कमरे होते हैं। इसी तरीके से वर्ल्ड किससे रिलेट करेगा, सो द करेक्ट आंसर इज नेशन। अच्छा भैया नेशन ही क्यों, तो यार छोटी सी बात है, आप ही देखो, क्या कोई भी वर्ल्ड है अगर हमारे पास, क्या उसके अंदर लैंड नहीं होगी, होगी भैया ज़रूर होगी। क्या उसके अंदर हवा नहीं होगी, होगी यार ज़रूर होगी। क्या उसके अंदर सूरज नहीं होगा, होगा ना यार। जब ये तीनों ही चीज़ मौजूद हैं तो चीज़ बची क्या, नेशन। या तो इसे ऐसे चूज़ कर लो, या फिर छोटी सी चीज़ है कि वर्ल्ड है कोई, अगर वर्ल्ड है तो वर्ल्ड के अंदर छोटे 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 नेशन भी होंगे, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस तरीके से। तो हमारा पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के अंदर छोटे छोटे नेशन से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके पास चलते हैं। नीचे हमें दिया हुआ है कार्बन इज रिलेटेड टू डायमंड, सिमिलरली कोरंडम इज रिलेटेड टू व्हाट। कार्बन जो है वो क्या है, एक हमारा एलिमेंट है जिसका, डायमंड जो है वो उसका एलोट्रोप है। क्या है, एलोट्रोप है डायमंड किसका, कार्बन का। इसी तरीके से जो कोरंडम है इसका ये किससे रिलेट करेगा, तो ये रिलेट करता है रूबी से। ये रूबी की तरह इक्विवेलेंट होता है, रूबी की तरह। आई रिपीट, जो कोरंडम है, दैट इज़ ए CORUNDUM, जो कोरंडम है ये रिलेट करता है किससे, किससे रिलेट करता है यार, ये रिलेट करता है हमारा रूबी से, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, स्मोक इज़ रिलेटेड टू पॉल्यूशन, सिमिलरली वॉर इज रिलेटेड टू। तो अगर हम बात करें स्मोक की, तो स्मोक करने के बाद क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, यानी कि कोई चीज़ अनयूजुअल हो रही है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई चीज़ क्या है, हार्मफुल है। इसी तरीके से वॉर के बाद क्या होता है, वॉर के बाद होती हैं क्या, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। अब ये डिस्ट्रक्शन क्यों होगी, चलो एक बार आगे की जो चीज़ें दी हैं ये, तो विक्ट्री, विक्ट्री मतलब होती है जीत, ठीक है। तो यार जीत और हार तो होती है, खैर ये तो कोई बात ही नहीं है। पीस मतलब होती है कि शांति हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं यार, उसके बाद तो और चांसेस होते हैं। ट्रीटी मतलब क्या, कोई एलिमेंट साइन, कोई ट्रीटी साइन हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो होता क्या है, डिस्ट्रक्शन होता है कम्प्लीटली। तो करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन्होंने इंक इज रिलेटेड टू पेन एंड ब्लड, तो जो इंक होती है उसका मतलब क्या होता है, साइन, जैसे कि हमारे पेन में होती है तो इंक जो है वो पेन के अंदर होती है। सिमिलरली जो हमारा ब्लड है ये किसके अंदर होगा, सो ये हमारा जो अंदर होगा वो होगा वेन के, वेन मतलब होती है हमारी नसें, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज वेन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 6, दैट इज गुड बैड, यानी कि एक वर्ड है जिसका एंटोनियम्स यानी कि उसका उल्टा जो है वो बैड है। सिमिलरली अब हमें देखना है कि रूफ, रूफ मतलब क्या होती है, दीवार, ठीक है, तो अब हमें देखना है, तो सिमिलरली अब हमें देखना है कि रूफ का एंटोनियम क्या होगा, यानी कि रूफ का उल्टा क्या होगा, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोर, ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फ्लोर, ठीक है। होप ये बहुत ही ईजी था, वैसे इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप लोगों की होगी। तो चलो यार अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोयन लिव इन डैन, मतलब लोयन जो है वो कहाँ पे रहता है, डैन, डैन मतलब होती है गुफा, उसके अंदर रहता है। सिमिलरली रैबिट किसके अंदर रहता है, तो रैबिट जो है वो हमारा रहता है BURROW, किसके अंदर रहता है, BURROW, इसके अंदर, ठीक है, तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोवेल्टी इज रिलेटेड टू ओल्डनेस एंड न्यूनेस इज रिलेटेड टू, ठीक है, नोवेल्टी मतलब होता है कुछ नया सा, ओल्डनेस मतलब कुछ ऐसे ही पुराना सा, ठीक है, इसी तरीके से यानी कि जो ये है क्या है, एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, सो द करेक्ट आंसर जो है वो 8th का वो हो जाएगा एंटीक्विटी, क्या आंसर हो जाएगा एंटीक्विटी, क्या आंसर हो जाएगा एंटीक्विटी, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटेक्टिव इन्फॉर्मर रिपोर्टर क्या होगा। अच्छा तो जो डिटेक्टिव होता है, डिटेक्टिव देखो आप समझ चुके होंगे, जैसे कि एजेंट विनोद या फिर कोई और भी मूवी देखी होगी आपने हॉलीवुड बॉलीवुड की, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे डिटेक्टिव होते हैं, वो डिटेक्टिव क्या करते हैं, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, किसको कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं हमारे डेटा को, ठीक है, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, और डेटा को कलेक्ट किससे करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मर के थ्रू, इन्फॉर्मर मतलब होता है खबरी, ठीक है, इसी तरीके से जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्टर किससे कलेक्ट करते हैं डाटा, तो रिपोर्टर कलेक्ट करते हैं हमारे सोर्स से, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा सोर्स। चलो अब आगे चलते हैं, हमारे पास ऊपर है सारे क्वेश्चन, चलो ऊपर चलते हैं, यह आया हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है, तो अब जैसे कि हमें 10th क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है, जेन्युइन ऑथेंटिक और मिराज, तो जेन्युइन का जो सिमिलर है, सिमिलर मतलब वो है इसका जो सिनोनियम है वो है ऑथेंटिक, दोनों का मतलब एक ही होता है, जेन्युइन मतलब एकदम रियल चीज़ और ऑथेंटिक मतलब भी रियल चीज़ होती है, ठीक है, इसी तरीके से मिराज का क्या होगा, सो जो मिराज का होगा, मिराज जो है वो होता है, मतलब आपने कभी देखा हो अगर आप किसी रोड से जा रहे हो, ठीक है, उस रोड पर आपने देखा होगा कि मतलब कई बार ऐसा होता है आप रोड से जा रहे हो तो सामने की जो रोड है वो ऐसा लगती है जैसे रोड के ऊपर पानी पड़ा हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है जैसे अगर आप कभी रेगिस्तान में जाओ तो रेगिस्तान में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि रेगिस्तान में लोगों को जो है वो जो वो है डेजर्ट है उसके ऊपर देखने को मिलती है क्या, पानी के छोटे छोटे पौंड, वो दूर से लगता है कि पानी का पौंड है लेकिन वो क्या होता है मिराज होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एक इल्यूजन होता है, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा इल्यूजन, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थंडर इज रिलेटेड टू रेन एंड नाइट इज रिलेटेड टू वॉट, थंडर, तो यार इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि थंडर, थंडर बोले तो थंडर मतलब क्या होता है, जो बिजली बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने के बाद हमारी क्या होती है बारिश होती है, इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा वर्ड आए जिसके बाद नाइट आए, ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो 90% बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो एग्जाम में लगा कर आते हैं डे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर जो है वो उसका होगा डस्क, और डस्क मतलब होता है साय, मतलब कि जो हमारा शाम का समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डस्क बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोटैनी इज रिलेटेड टू प्लांट, बोटैनी जो है वो रिलेट कर रही है प्लांट से, इसी तरीके से एंटोमोलॉजी जो है वो हमारी किससे रिलेट करेगी, ये चीज़ हमें देखनी है, तो ये चीज़ देखनी है तो मैं आप लोग को बता दूं क्या कि बोटैनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट होती है, यानी कि अगर हम कभी आप इन फ्यूचर अगर आपको कभी प्लांट्स की स्टडी करने का मौका मिले तो उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं बोटैनी, इसी तरीके से एंटोमोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि अगर आपको कभी इंसेक्ट्स के बारे में जानना हो उनके बारे में स्टडी करनी हो तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे एंटोमोलॉजी बोलेंगे। होपफुली जो आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, तो जो हमारा लेजिस्लेटिव हाउस होता है ग्रेट ब्रिटेन का उसको हम क्या बोलते हैं पार्लियामेंट बोलते हैं, इसी तरीके से जो कांग्रेस है जो हम यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कांग्रेस इसका क्या बोलेंगे, इसको ये किस चीज़ का लेजिस्लेटिव हाउस है, तो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा USA, लेकिन 90% केसेस का होता है लोग बाग कांग्रेस देखते ही उनके दिमाग में आते हैं अरे कांग्रेस बीजेपी आम आदमी, इन 3-4 पार्टियों में कन्फ्यूज़ होकर वो इंडिया को टिक लगा के आ जाते हैं, और यहीं पर जो है
है वो हमारा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, और जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा यूएसए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14, और 14 क्वेश्चन में हमें एक चीज़ें दी हुई हैं, फ्लो डेट इज़ रिवर। तो फ्लो का मतलब सिंपल सा है कि रिवर के अंदर जो है वो हमारा पानी फ्लो होता है। स्टैग्नेंट मतलब क्या होता है, स्टैग्नेंट मतलब होता है स्थिर, यानी कि रुका हुआ। तो ये जो हमें चार ऑप्शन दिए हुए, इन चार में से कौन है जिसके अंदर पानी रुका हुआ होता है, एंड द करेक्ट आंसर इज पूल, ठीक है। पूल, अगर आप स्विमिंग पूल में नहाए हो तो उसके अंदर जो पानी होता है वो रुका हुआ होता है, और उसके अंदर फिर बाद में क्लोरीनेशन करके उसके अंदर क्लोरीन वगैरह डाल के उसको अच्छे से साफ शुद्ध करके तब रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारे पास, साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू माइंड, सिमिलरली ऑर्निथोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड करेगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हमें देखनी है कि जो ऑर्निथोलॉजी है वो किससे रिलेट करेगी। तो जो साइकोलॉजी है वो होती है स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि अगर आपको किसी के माइंड की स्टडी करनी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी। इसी तरीके से अगर हमें इन फ्यूचर में भी अगर हमें बर्ड्स की क्या करनी हो, स्टडी करनी हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 16। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सजेशन इज डिमांड, टेक इज। देखो सजेशन मतलब होता है, अगर कोई, देखो अगर मान लो आप अपने फ्रेंड के पास गए, ठीक है, आपने उससे बोला कि भाई आप मुझे कोई चीज़ सजेस्ट कर दे, तो अगर वो सजेस्ट करेगा तो भी ठीक है, अगर सजेस्ट ना भी करेगा तो भी ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप अपने दोस्त के पास जाओ और उससे बोलो कि यार मुझे 10,000 रुपये की डिमांड है, तो डिमांड का मतलब है कि उसको जो है 90% चांसेस है कि वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि डिमांड का मतलब है कि उसको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट है, इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है, डेट इज़ टेक। तो टेक जो है, टेक मतलब होता है किसी से कोई चीज़ लेना, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर आना चाहिए वो यहाँ पर ये आना चाहिए कि किसी से हमें कोई चीज़ ज़बरदस्ती चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती लें तो उसको क्या बोलते हैं, स्नैच बोलते हैं। स्नैच मतलब उसे छीना चपटी करना, उसे कोई चीज़ छीननी, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्नैच बोलते हैं, ठीक है। चलो करेक्ट आंसर वैसे इसका स्नैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम इज रिलेटेड टू एक्सिस एंड सिली इज। तो देखो मैक्सिमम और एक्सिस दोनों ही जो है, देखो आप अगर पढ़ भी रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि दोनों क्या है, सिमिलर वर्ड है। सिमिलरली जो हमारा सिली है, सिली किसका सिनोनियम हुआ, ये सिनोनियम हुआ हमारा कंजर्वेटिव का। किसका सिनोनियम होगा, हमारा कंजर्वेटिव का। सो द करेक्ट आंसर इज कंजर्वेटिव, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, मदर इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड, यानी कि माँ और माँ का बेटा या फिर माँ की बेटी। इसी तरीके से क्लाउड और क्लाउड का बेटा या बेटी तो देखो नहीं होंगे, लेकिन इनमें से तो कौन सा ऑप्शन है जो क्लाउड के बेटा या बेटी का रोल प्ले करेगा। तो द करेक्ट आंसर इज रेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्लाउड के अंदर से ही रेन निकलती है, आप लोग ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो, और करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, रेन होगा। तो चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आ गए हम, ठीक है। तो अब हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है माउंटेन, ठीक है, और माउंटेन के बाद दिया हुआ हिल। तो माउंटेन और हिल ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्री जो है वो किस चीज़ के सिमिलर होगा, ये चीज़ हमें देखनी है। तो ट्री जो है वो किसके सिमिलर होगा, ट्री जो है वो सिमिलर होगा श्रब के। अच्छा भैया श्रब क्या होती है, तो यार श्रब होती है छोटी मोटी घास, छोटी मोटी झाड़ियाँ, इनको बोलते हैं श्रब, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज श्रब। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं यार अब हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है हमें, बुक इज़ रिलेटेड टू पब्लिशर, सिमिलरली फिल्म इज़ रिलेटेड टू। तो देखो यार बुक को जो पब्लिश करता है वो कौन करता है, पब्लिशर करता है। सिमिलरली फिल्म को जो मेन रोल है, जो फिल्म को क्या नाम है, फिल्म को निर्देशक देता है, फिल्म को अच्छे से चलाता है, वो कौन करता है, ये करता है काम हमारा डायरेक्टर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मेन्यू इज रिलेटेड टू फूड, सिमिलरली कैटलॉग इज रिलेटेड टू व्हाट। तो हमें देखना है कि मेन्यू जो है वो फूड से रिलेट करता है, और कैटलॉग जो है वो किससे रिलेट करेगा। तो मेन्यू फूड से इस तरीके से रिलेट करता है, आप अगर कभी होटल में गए हो तो आपने देखा होगा कि एक हमें पेपर मिलता है जिसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेन्यू, ठीक है। लेकिन तो यानी कि अगर हमें कोई फूड की लिस्ट दे प्रॉपर बना के, उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। तो सिमिलरली हमें कैटलॉग जो है वो किसकी लिस्ट होनी चाहिए, तो कैटलॉग जो है वो लिस्ट होगी हमारी, किस चीज़ की होगी लिस्ट हमारी, वो होगी बुक्स की। किसके बोलेंगे हम लोग, बुक्स की, यानी कि अगर आपको कोई बुक्स की लिस्ट बना के दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, फ्रेमवर्क इज़ रिलेटेड टू हाउस, स्केलेटन इज़ रिलेटेड टू। जो फ्रेमवर्क है वो किससे रिलेट कर रहा है, हाउस से, इसी तरीके से स्केलेटन है वो किससे रिलेट करेगा। तो देखो फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, ढांचा भी आप लोग बोल सकते हो, कि कोई भी जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो नींव भरते हैं ना, ऐसे ही बोल सकते हो कि वो सब क्या है, उसका फ्रेमवर्क है। इसी तरीके से स्केलेटन के बाद क्या चीज़ बनेगी,
स्केलेटन किसका फ्रेमवर्क है? स्केलेटन फ्रेमवर्क है हमारा बॉडी का, यानी कि पहले स्केलेटन होगा उसके बाद ही तो बॉडी होगी। इसी तरीके से पहले फ्रेमवर्क होगा उसके बाद क्या होगा, हाउस होगा। ठीक है चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें हमें दिया हुआ है जनवरी इज रिलेटेड टू नवंबर, सिमिलरली संडे इज रिलेटेड टू फोर्थ। ये चीज़ हमें क्या हुआ देखनी है। तो अगर आप जनवरी को देखो तो जनवरी जो है वो हमारा साल का फर्स्ट मंथ है और नवंबर जो है वो हमारा साल का आखिरी महीना, यानी कि अगर हमें संडे को रिलेट करना है तो संडे को रिलेट करेंगे हम कैसे, संडे क्या हुआ हमारा फर्स्ट हुआ, इसी तरीके से अब जैसे हमें नवंबर देख रहे थे सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट कौन सा हुआ हमारा, तो सेकंड लास्ट जो होता है हमारा वो होता है फ्राइडे। कैसे, पहले देखो लास्ट में आता है संडे, संडे से पहले हुआ सैटरडे, उससे पहला हुआ फ्राइडे। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज फ्राइडे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ एक बार समझ में आ रहे होंगे आपको चीज़ें, और अगर आप अभी भी इस वीडियो में कंटिन्यू हैं डेट मीन्स आपको जो वीडियो है वो सच में समझ में आ रही होगी। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। ठीक है, और इसी तरीके की 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो मैं रेगुलर लाने वाला हूँ, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट टंग वॉक, यानी कि टेस्ट किसे करते हैं हम, टंग से करते हैं। सिमिलरली वॉक किसे करते हैं हम लोग, लेग से करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा हमारा, लेग्स। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, चिमनी इज रिलेटेड टू स्मोक, यानी कि जो हमारी चिमनी होती है, जैसे अगर आप कभी भट्टे वट्टे पे गए होगे तो भट्टे के ऊपर होती है ना चिमनी, तो उस चिमनी से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जिसके अंदर से कोई चीज़ निकले, सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा गन और बुलेट, यानी कि बंदूक से ही गोली निकलती है। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा वन। ठीक है चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, कैमरा इज रिलेटेड टू लेंस, सिमिलरली फ्लैश इज रिलेटेड टू, तो द करेक्ट आंसर होगा इसका बल्ब। अच्छा बल्ब क्यों होगा, देखो मैं थोड़ा जल्दी करके एक बार और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। कैमरे के अंदर हमारा क्या होता है, लेंस होते हैं। ठीक है, कैमरे के सामने वाले पोर्शन में, यानी कि कैमरे का जो मेन पार्ट है वो क्या है, लेंस है। सिमिलरली अगर हमें फ्लैश की बात करें, जो आपके फ़ोन में भी फ्लैश होती है, वो किसके बेस पर बनी होती है, वो बनी होती है बल्ब के बेस पर। यानी कि अगर हमारा बल्ब ही ना हो, यानी कि अगर हमारा बल्ब ही ना हो तो यार फिर वो फ्लैश ही किस काम की, फिर वो फ्लैश अच्छी थोड़ी लगेगी, है ना। इस वजह से तो करेक्ट आंसर हो गया उसका बल्ब हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउस इज रिलेटेड टू रेंट एंड कैपिटल इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, तो अगर मैं हाउस को लेंट पे दूँ, यानी कि किराए पे दूँ, तो हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है, यानी कि किराया मिलता है। इसी तरीके से मैं कैपिटल को क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कैपिटल को क्या करूँ, इन्वेस्ट करूँ, कैपिटल को क्या करूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मुझे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। सो तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए होगा, इसका करेक्ट आंसर बी नहीं होगा। आई रिपीट, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करने से जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर अगर टिक लगा दोगे तो एग्जाम में जो है वो एग्जामिनर बहुत ही प्यारे तरीके से इस तरीके से क्रॉस लगाएगा, जीरो नंबर देगा और आगे चलना शुरू कर देगा। ठीक है चलो, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आर्किटेक्ट इज रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड स्कल्पचर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आर्किटेक्चर जो है वो बिल्डिंग बनाता है, इसी तरीके से स्कल्पचर जो है वो हमारा वो क्या बनाता है, स्टैचू बनाता है। ठीक है, बहुत ही आसान था। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइस इज रिलेटेड टू कोल्डनेस, सिमिलरली अर्थ इज रिलेटेड टू, आई रिपीट, आइस इज रिलेटेड टू कोल्डनेस एंड अर्थ इज रिलेटेड टू वॉट। तो आइस जो है वो कोल्ड से रिलेटेड अर्थ किसे करेगी, सो जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ग्रेविटेशन। अच्छा भाई ग्रेविटेशन ही क्यों होगा, तो देखो ना यार, आइस मतलब क्या होती है, बर्फ, बर्फ क्या होती है, ठंडी होती है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। इसी तरीके से अर्थ, अर्थ क्या होता है, अर्थ के अंदर होती है ग्रेविटेशन, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या उसके अंदर वेट होता है, हमें क्या लेना है यार वेट का, जंगल, हमें क्या जंगल बुक मूवी थोड़ी बनानी है उसके अंदर जाके, नहीं बनानी ना। सी, सी तो यार सिंपल सी बात है, दिखता ही है। तो द करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशन, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो एनीमिया इज रिलेटेड टू ब्लड एंड एनार्की इज रिलेटेड टू वॉट। सो द करेक्ट आंसर होगा इसका वॉट, गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला कि 30 का आंसर गवर्नमेंट होगा, आप लोग ये चीज़ मुझे नीचे जाओ और नीचे मुझे कमेंट करके बताओ यार, कुछ चीज़ आप भी तो करो, अगर सारी चीज़ हम बता देंगे क्योंकि तैयारी तो मैं आपकी करवा रहा हूँ ना। ठीक है, तो चलो नीचे जाके जरूर से इस 30 क्वेश्चन का जो है मुझे आप लोग कमेंट करना कि इसका जो आंसर है मैंने एनआरकी का वो गवर्नमेंट क्यों बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो यार अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एडिटर रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, सिमिलरली दिस इज रिलेटेड टू दिस। ये चीज़ हमें जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखनी है। ठीक है, सो तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑथर,
नोवल। अब बात है भैया ऑथर या नोवल क्यों आंसर होगा, तो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे लिखा था एडिटर, एडिटर मतलब कि कोई ऐसा बंदा यानी कि कोई लिविंग थिंग, या तो ऐसा मान लो ठीक है, या फिर ऐसा मान लो कि वो बंदा जो क्या करता है न्यूज़पेपर को एडिट करता है ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो है ऑथर, वो ऑथर क्या है, वो क्या है नोवल को लिखता है, तो दोनों का जो काम है वो क्या है सिमिलर सिमिलर सा है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पे देखो, यानी कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से रीड करूँ कि भाई भैया मैंने ए बनाया, फिर मैंने यहाँ पे बी बनाया, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ डी, तो जो ए भी है वो इस तरीके से भी है कि ए हमारा लिविंग है और बी क्या है नॉन लिविंग है ठीक है, यानी कि ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आप करो तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा सही होगा ठीक है। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आवर इज रिलेटेड टू सेकंड, सिमिलरली टर्चरी इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आवर रिलेट कर रहा है हमारा सेकेंडरी से, इसी तरीके से टर्चरी किससे रिलेट करेगा, तो टर्चरी हमारा रिलेट करेगा किससे, टर्चरी रिलेट करेगा प्राइमरी से। भैया प्राइमरी से क्यों करेगा, तो छोटी सी बात देखो, पहले होते हैं आवर, फिर होती हैं हमारी मिनट, फिर आती हैं हमारी सेकेंड। इसी तरीके से सबसे पहले होती है हमारी टर्चरी, फिर आती है हमारी सेकेंडरी, एंड देन हमारी क्या आती है प्राइमरी। सो इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्राइमरी होगा ठीक है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यार हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्होंने, पोल्स आर रिलेटेड टू मैग्नेट, सिमिलरली बैटरी जो है वो किससे रिलेट करेगी। तो देखो छोटी सी बात है पढ़ने वाले भी, मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं हमारे पोल होते हैं ठीक है। पोल कैसे वाले, नॉर्थ पोल साउथ पोल याद आया कुछ ऐसी तरीके से। इसी तरीके से जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी के अंदर हमारे क्या होते हैं टर्मिनल्स होते हैं, क्या होते हैं टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, या पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारी होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनल्स ठीक है। चलो तो भाई तो करेक्ट आंसर होगा इसका टर्मिनल होगा ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज पे 34। अगर आप इसको पढ़ो तो पीस इज रिलेटेड टू CHAOS एंड क्रिएशन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के क्या है, एंटोनियम्स हैं ठीक है ना। तो क्रिएशन का जो एंटोनियम्स होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को क्रिएट करना और किसी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करना। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रक्शन। इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई क्रिएशन के जो ये वाले वर्ड हैं यानी कि कंस्ट्रक्शन करना, क्रिएशन करना सिमिलर है, मैन्युफैक्चर करना, क्रिएशन करना सिमिलर है, इसी तरीके से कोई चीज़ बिल्ड करना या कोई चीज़ क्रिएट करना ये भी सिमिलर है। तो केवल डिस्ट्रक्शन ही एक ऐसा वर्ड है जो क्या हो रहा है यहाँ पे अगेंस्ट जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर होगा वो हमारा डिस्ट्रक्शन होगा। इस चीज़ को ऐसे भी आप लोग रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ डेट इज 35 की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ इज रिलेटेड टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट। देखो किसी चीज़ को यहाँ पे सेव करना या किसी चीज़ को सिक्योर करना दोनों ही क्या है सिमिलर है। इसी तरीके से किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या किसी चीज़ को गार्ड करना, क्या बोला मैंने, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना या किसी चीज़ को गार्ड करना दोनों ही क्या है सिमिलर हैं, और अगर दोनों सिमिलर हैं तो आंसर भी हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज गार्ड ठीक है। चलो चलते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब हमें दिया हुआ है इन्होंने फिजिशियन जो है वो रिलेटेड है ट्रीटमेंट से, इसी तरीके से जो हमारा 36 क्वेश्चन में है जज जो है वो किससे रिलेट करेगा। सो हमारा जो जज है वो रिलेट करेगा जजमेंट से। आई रिपीट, जिस तरीके से फिजिशियन जो है वो रिलेट करता है ट्रीटमेंट से, इसी तरीके से जो जज है वो रिलेट करेगा जजमेंट से। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोग ने गैस कर ही लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब लोग हम इस पर, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर कौन होता है, स्कल्पचर होता है जैसे कि अभी हमने अपने पुराने क्वेश्चंस में भी पढ़ा था ऊपर जो हमें दिया हुआ था। तो स्कल्पचर कौन होता है, वो लोग जो हमारे मूर्ति वूर्ति बनाते हैं। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 37 का वो होगा CHISEL। जो स्कल्पचर है वो यूज़ क्या करता है, CHISEL, चाइसल ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा चाइसल, क्योंकि जो स्कल्पचर है वो इसी को ही यूज़ करता है ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ऊपर की तरफ इन्होंने दिया हुआ है। अपना चलते हैं 38 क्वेश्चन पे, ओके ठीक है। 38 क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया हुआ है स्टडी इज रिलेटेड टू नॉलेज, सिमिलरली वर्क इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखो यार स्टडी करने से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। इसी तरीके से काम करने से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। काम करने से हमें 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 मिलता है एक्सपीरियंस। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सपीरियंस, ओके। चलो ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, और 39 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पैडी इज रिलेटेड टू फील्ड, सिमिलरली स्टील इज रिलेटेड टू व्हाट। तो पैडी जो है वो एक तरीके की क्रॉप होती है जो कि फील्ड में लगाई जाती है, इसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर क्या होगी, स्टील यूज़ होगी। सो द करेक्ट आंसर इज फैक्ट्री ठीक है, द ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो भाई अब चलते हैं हम अपना कहाँ पे, आगे की तरफ। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लाफ इज रिलेटेड टू जोक, सिमिलरली क्रैकर इज रिलेटेड टू किससे। यानी कि देखो जोक, अच्छा चलो एक सेकेंड, हम हंसते हैं किस पे, जोक पे
पहली चीज तो हम यहाँ पे क्या लिखे जिसके बाद क्रैकर आए, यानी कि अगर हम कोई चीज़ एक्सप्लोड करें तब हमारा क्या होगा, क्रैकर की साउंड आती है। ठीक है, आई रिपीट, अगर हम कोई चीज़ क्या करें एक्सप्लोड करें तब हमारी क्या आती है, क्रैकर की साउंड आती है। सो द करेक्ट आंसर इज हमारा एक्सप्लोड। ठीक है, इसके बाद एंगर फियर ये तो सब ऐरा वैरा है, ये तो इससे कहीं से कहीं तक भी रिलेट नहीं कर रहे। सो द करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड किंग इन विच। सो द करेक्ट आंसर इज इंग्लैंड। ठीक है, आई रिपीट, जिस तरीके से इंडियम के अंदर वैल्यू होती है प्रेसिडेंट की, इसी तरीके से जो किंग होता है वो होता है कहाँ पे, इंग्लैंड में। और आप इंडिया के तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जब इंडिया की जनसंख्या की गिनती होती है, जनगणना होती है, तब प्रेसिडेंट को एज अ फर्स्ट पर्सन भी गिना जाता है। तो सिमिलरली अगर हम किंग की बात करें, सो इंग्लैंड में अगर कभी जनगणना होगी तो किंग को एज अ फर्स्ट पर्सन भी काउंट वे कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42 पे। यहाँ पे दिया हुआ है लाइट इज रिलेटेड टू रेज, सो साउंड इज रिलेटेड टू वॉट। तो लाइट क्या होती है, रेज होती है, इस तरह साउंड क्या होती है हमारी, साउंड होती है वेव्स। सो 42 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, यानी कि वेव। साउंड क्या होती है, वेव होती है, वेव याद है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव, इस तरीके की जो वेव्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड का पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वेस्ट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, इसी तरीके से जो साउथ है वो किससे रिलेट होगा। तो चलो यार छोटी सी फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, ये बना लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ईस्ट, यहाँ पे बोला मैंने वेस्ट, यहाँ पे बोला मैंने नॉर्थ, यहाँ पे बोला मैंने साउथ। अब हमें दिया हुआ है वेस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ है अगर वेस्ट से बात करें। इसी तरीके से अगर मैं साउथ की बात करूँ तो यहाँ से इसे कितना गया, यहाँ से ये गया हमारा 90 और 90 प्लस 45। तो ठीक है, तो 90 जाना है हमें, फिर जाना है हमें 45। ठीक है, तो चलो अगर हम साउथ से 90 और 45 जाएं, ठीक है, तो हमें मिला ये 90 और उसके बाद हुआ 45। सो द करेक्ट आंसर इज क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो आपको तो डोंट वरी, जब हम आगे रीजनिंग में और आगे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे क्या डायरेक्शन वाले, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओसीज इज रिलेटेड टू डेजर्ट, सिमिलरली व्हाट इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो हमारा ये है 44 क्वेश्चन। तो ओसीज इज रिलेटेड टू डेजर्ट, इसी तरीके से सी। तो डेजर्ट का छोटा सा जो पोर्शन होता है, छोटा सा मतलब ऐसा समझ लो कि डेजर्ट का सब पार्ट जो है वो ओसीज है, इसी तरीके से सी यानी समुद्र का जो सब पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आइलैंड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज हमारा आइलैंड। ठीक है, ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो पाउंड इज रिलेटेड टू येन, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर से बताइएगा कि पाउंड येन से किस तरीके से रिलेट करता है। और यार देखो, हर कोई देखो आप लोग को बोलता होगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, कमेंट करो। ठीक है, तो यार ये चीज़ कहीं ना कहीं आप ही के लिए बेनिफिशियल है, सो आप लोग प्लीज़ नीचे जाके कमेंट किया करो। इसी तरीके जो हमारा पोलो होगा वो रिलेट करेगा हॉकी से, जो हमारा 45 उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हॉकी। ठीक है, होपफुली आपको जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही होंगी। अगर अब भी आप वीडियो के अंदर कंटिन्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वैक इज रिलेटेड टू डक, यानी कि जो डक है वो किस तरीके की आवाज़ निकालती है, क्वैक की। इसी तरीके से कौन है वो जो नी की आवाज़ निकालता है। अब मैंने नी करी तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे, सो द करेक्ट आंसर इज हॉर्स। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट अपने एंड पे। सो ड्रीम इज रिलेटेड टू व्हाट, ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी, सिमिलरली फॉल्सहुड इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी, इसी तरीके से फॉल्सहुड जो है वो रिलेट किससे करेगा, ट्रूथ से रिलेट करेगा, किससे रिलेट करेगा, ट्रूथ से। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रूथ। आई रिपीट, जो हमारी ड्रीम है उसका मतलब है रियलिटी। तो आप लोग इसे ऐसे देख सकते हो, एक दूसरे के एंटोनियम्स भी हैं। सो फॉल्सहुड जो है वो किससे रिलेट करेगा, ट्रूथ से रिलेट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 48। तो 48 पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है सोल्जर इज रिलेटेड टू रेजिमेंट, तो यानी कि सोल्जर जो होते हैं हमारे जो सिपाही होते हैं वो किसके होते हैं, रेजिमेंट से होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो हॉर्स है वो कहाँ पे होता है, तो हॉर्स होता है हमारा हर्ड में, H-E-R-D, हर्ड, H से हॉर्स और H से हर्ड, इसे ऐसे भी याद कर लो आप। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, क्या होगा, H-E-R-D। देखो मेरे साथ भी आप लोग बोला करो, क्योंकि जितना आप मेरे साथ बोलोगे उतना ही आपको चीज़ें जो है वो और अच्छे से भी क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने 49th क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेट लिस्ट इज रिलेटेड टू स्टैम्प्स, सिमिलरली न्यूमिज़मैटिस्ट इज रिलेटेड टू व्हाट। सो द करेक्ट आंसर इज कोइन। इस चीज़ को भी मैं आपसे कमेंट करने के लिए बोलूँगा, सो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। देखो आप जितना ज़्यादा गूगल करोगे चीज़ें, देखो मैं मेरे बताने के लिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप चीज़ों को गूगल करोगे उतनी ज़्यादा जो है आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी और नई चीज़ों से आप जो है कुछ नया सीखो, कोई कुछ आपकी चीज़ में ऐड होगी। तो प्लीज़ आप जाके गूगल करके मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको लगता है
कि भैया हमारा टाइम वेस्ट होता है, अगर मैं नहीं कर सकता भैया मेरे बस की ना है तो कोई बात नहीं यार, हम लोग बैठे हैं ना, आप लोग नीचे ये भी कमेंट कर दो कि भैया आप करवा दो, लेकिन प्लीज़ यार एक छोटी सी बात मान लो, प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वैसे 49 का जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को क्या बताया, कोइन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटो इज़ रिलेटेड टू फिल्म, तो फोटो स्टेट इज़ रिलेटेड टू वॉट। सो फोटो इज़ रिलेटेड टू फिल्म, सिमिलरली फोटो स्टेट इज़ रिलेटेड टू पेपर। ठीक है गाइज, आज के जो हमारे 50 क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी करवा चुका हूँ। ये जो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करे हमने एनालॉजी के, एनालॉजी बहुत ही कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है, तो हमने आज जो है 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, 50 नंबर पे भी पहुंच गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई नया टॉपिक लूँ तो आप लोग नीचे मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भैया हमारा कोई टॉपिक बहुत ही वीक है रीजनिंग के अंदर, तो आप लोग वो चीज़ भी कमेंट कर सकते हो। वैसे इस चैनल पर अब रेगुलर वीडियोज़ आने वाली हैं 50-50 की। ठीक है सो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, और अगर आपको लगा हो कि भैया जो आपका ये टीचिंग पैटर्न है TP, ठीक है, अगर आपके TP में कोई प्रॉब्लम है, टीचिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग नीचे जाके वो भी कमेंट कर दो, मैं ज़रूर से उस चीज़ को गौर फरमाऊंगा और उस चीज़ पे आगे से काम करूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे से एक बार फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए घर रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।